गुड इवनिंग सो माय नेम इस प्रतीक गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज का जो टॉपिक हमारे डिस्कशन का होने वाला है उसका नाम है फ्री बीज यानी कि वो चीज़ें जो मुफ्त में दी जाती हैं किसके द्वारा ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस मुफ्त में देगी और कोई तो आपको फ्री में चीज़ें देगा नहीं ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए आपसे द गवर्नमेंट नीड्स और यू कैन से पोलिटिकल पार्टी नीड्स वोट्स फ्राम तो देखिए बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि जो फ्री की चीज़ें हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया वाटर हो गया या जो भी चीजें हमें फ्री मिलती हैं दैट इज बेसिकली ओनली बींग डन बाई दोलिटिकल पार्टीज फॉर द सेक ऑफ गेटिंग वोट फ्रॉम पीपल ओके तो इसको लेके मान के चलिए ये भी देखने में आया है कई बार की जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है जब उन्होंने इलेक्शन लड़े कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में तो कुछ मुफ्त चीजों को लेके जब उन्होंने बात करी और प्रोमिस किए तो उनकी वजह से वो इलेक्शंस जीत भी गए ठीक तो पॉइंट ये आता है कि क्या इन चीजों की वाकई में जरूरत है या नहीं है क्या ये चीजें ठीक है या नहीं है इनके बारे में बात करेंगे ठीक है अब देखिए हुआ क्या जनवरी 2022 में एक जो हमारी रूलिंग पार्टी है सेंट्रल लेवल पे उन्होंने एक उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर पी एल दाखिल पब्लिक इंटरेस्ट लेटिकेशन और बोला गया कि ये जो भी फ्री दी जाती हैं जो भी फ्री की चीजें दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट लेवल पे वो ठीक नहीं है बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट अ फिजिकल लेवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अब ठीक है अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ट्वेंटी टू के ऊपर इसके ऊपर डिसीजन दिया बट मान के चलिए वट एवर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट वेरी वेरी न्यूट्रल इन नेचर एंड दे बेसिकली लेफ्ट एवरीथिंग ऑन दी इलेक्टोरेट उनके ऊपर छोड़ दिया कि वो क्या चाहते हैं क्या वट एवर थिंग्स आर बेसिकली बींग ऑफर्ड बाई एट द टाइम ऑफ फाइटिंग द इलेक्शन डे रियली रिक्वाड इट और द रियलींट रिक्वा तो इसके बारे में देखिये हम आज बात करेंगे कि ये फ्री बीज होती क्या है इनके ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन आज हमारी होने वाली है देखिए एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं पब्लिक गुड पब्लिक यानी कि जनता ओके पब्लिक पब्लिक इज नथिंग बट दी जनता की हम बात करते हैं एंड गुड इज बेसिकली समथिंग दैट इज बिंग गिवन फोर दी गुड और यू कैन से अच्छाई के लिए जनता को दिया जाता है ठीक कंटेम्प्रेरी यानी कि वर्तमान में अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक गुड और व्हाट आर पब्लिक गुड्स तो बेसिकली ये, ये बोलते हैं देर आर टू करेक्टरिस्टिक्स वी हैव फॉर दी पब्लिक गुड फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर नॉन राइवर इन नेचर एंड दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर इन दोनों का देखिए मतलब क्या होता है कि नॉन राइवल कैसे हैं नॉन एक्सक्लूडेबल कैसे हैं नॉन-रिवल का मतलब होता है दैट इफ आई एम कंज्यूमिंग वन थिंग दैट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस दी कंजम्पशन अवेलेबिलिटी फॉर दी अदर पर्सन यानी कि अगर मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूं तो वो दूसरे के लिए भी उतनी ही अवेलेबल है जितनी मेरे लिए है ओके लाइक इफ यू टॉक राइवल नेचर ऑफ प्रोडक्ट इमेजिन राइस अगर मैंने राइस कंज्यूम किए हैं तो मान के चलिए दूसरे के लिए उतने राइस नहीं बचेंगे बिकॉज आई हैव सिंपली कंज्यूमड एंड दी अदर वन इज बेसिकली लेफ्ट विद लेसर अमाउंट ऑफ राइस बट वहीं पे अगर नॉन राइवल की बात करेंगे इमेजिन देर इज अ वन स्ट्रीट लाइट ऑन यू नो रोड इफ दैट स्ट्रीट लाइट इज प्रोवाइडिंग मी सम सॉर्ट ऑफ लाइटनिंग देन इफ आई एम यूजिंग इट देन डू रिमेंबर दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइटनिंग फॉर दी अदर पर्सन बिकॉज इट इज अवेलेबल टू एवरी वन

दो so, करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी पब्लिक गुड की बिकॉज दीज पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट टू पीपल फॉर दर्पज ऑफ वेलफेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी मेरे लिए अवेलेबल है और उसे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो वो दूसरे के लिए उसकी कंजम्पन कम नहीं हो रही है

बट नॉन रेवलरस इन नेचर यानी कि मेरी कंजम्शन दूसरों के लिए वो कम नहीं हो रही है इफ आई एम यूजिंग इट टेन दियर इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर दर पर्सन ठीक है नाउ नॉन एक्सक्लूटेबल एंड नॉन रेवलरस जिसको हमने बताया कि डिफेंस हो, हो गया क्लाइमेट मिटिगेशन मेजर्स हो गए परेड हो गए you know, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी है वो बेसिकली नॉन रेवलरस भी और नॉन एक्सक्टेबल भी है, है. यानी कि दो चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज वेलफेयर के लिए है ओके बिकॉज यू नो दिस थिंग इफ इट इज फॉर द पब्लिक गुड दैट मीनस इट इज गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ इट दैट्स यू एबल टू से एज अ पब्लिक गुड नॉन यानी कि अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो दूसरे के लिए वो भी अवेलेबल रहेगा उसकी कोई कमी नहीं होगी और अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं देन आई एम नॉट सिंपली स्टॉपिंग दी अदर टू सिंपली यूज इट दैट मीन इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर दी अदर पर्सन यानी कि अगर किसी के घर में आग लगी है तो उसके लिए भी फायर प्रोटेक्शन है और किसी और के घर में किसी और कॉलोनी में आग लगी है उसके लिए भी अवेलेबल है तो ये एक पब्लिक गुड कहलाएगा डिफेंस मेरे लिए भी है आपके लिए भी है सबके लिए बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी वन इन केस ऑफ आर कंट्री सो दीज आर बेसिक द बेसिक नेचर ऑफ यू कैन से पब्लिक गुड विच आर बेसिकली बींग गिवन बाई द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल वेरी मोड आई ट्राइंग टू से अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो सिक्योरिटी हो गई एजुकेशन हो गया देन साइंस हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एनवायरमेंट हो गया पब्लिक हेल्थ और तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिनको पब्लिक गुड्स यानी कि वो गुड्स जो तो हमारी गवर्नमेंट ने वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किए हैं जनता को चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के ही केस में वो अवेलेबल है आपके लिए देन आफ्टर दैट इफ यू सी फर्दर अब देखिए फ्री बीस के ऊपर डिबेट होनी क्यों स्टार्ट देखिए माना जा रहा है सेंट्रल तो देखिए जो कर रही है वो कर रही है उसके ऊपर हमें यहां बात नहीं करना है ये चीजें न्यूज में इसलिए ज्यादा आई क्योंकि कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया स्टेट लेवल पे स्पेंडिंग के ठीक है अब देखिए बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर सेंट्रल लेवल पे भी है जिनको हम फ्री बीज का नाम दे सकते हैं बट देखिए आज के डिस्कशन का मुद्दा हमारा वो नहीं है आज के डिस्कशन का हमारा मुद्दा है स्टेट लेवल का क्योंकि सारी की सारी चीजें जो अभी डिबेट में चल रही हैं वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के चारों तरफ घूम रही हैं अब देखिए यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की <coughs> रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि 2018-19 में हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वेरियस सब्सिडीज एक्सपेंडिचर सो इफ यू सी इट इज समवेयर इन बिटवीन दन पॉइंट टू टू लैक करो अगेन काइंड ऑफ सेम इट इंक्रीज लिटिल बिट एंड दैट इज इंक्रीज इवन फर्दर एंड इफ यू टॉक अबाउट दियर द ग्रोथ इज इवन मोर हायर ओके okay. सो so, अच्छी खासी ग्रोथ हुई है स्टेट्स में अलग अलग मान के चलिए जब हम बात करेंगे सब्सिडीज की अब देखिए एक क्वेश्चन ये होता है क्या सब्सिडीज देनी ठीक है या गलत है देखिए हमारी जैसी कंट्री इंडिया में जो कि डेवलपिंग कंट्री है जहां पे द ऑफ पीपल वो बिंग लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड देर नॉट है बेसिक थिंग्स विद फॉर एग्जाम्पल फूड क्लोदिंग एंड तो चीजें आपको फ्री में देनी ही पड़ेगी अब हो सकता है वो वेलफेयर के लिए हो और हो सकता है वो वेलफेयर के लिए ना भी हो दोनों चीजें उसके ऊपर हो सकती है ठीक है पॉइंट ये है कि जब कोई चीज फ्री दी जाती है तो क्या उससे वेलफेयर होगा या नहीं होगा देखिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है बिकॉज नथिंग और नो वन इन केस ऑफ आर कंट्री हैज डिफाइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बीज का फ्री बीज का मतलब क्या है क्योंकि देखिए हो सकता है जो चीज आज आपने फ्री में दी है ओनली फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द वोट ऑफ पीपल माइट बी वेरी यूजफुल फॉर द पीपल इन टाइम बिकॉज ऑफ ऑफ इशू फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द यूपी गवर्नमेंट ओके वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री बट यू नो दिस थिंग इन द काइड ऑफ कोविड नाइनटीन पेंडेमिक दैट लैपटॉप और रियली यूजफुल फॉर द

ठीक है कि उन्होंने उससे कमाने के लिए उस चीज को यूज ना करने की जगह उस चीज को इस्तेमाल करना इस्तेमाल करने की जगह उसको बेसिकली मार्केट में दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट द द पॉइंट इज व्हाट दैट माइट बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ वेलफेयर ठीक है अब देखिए अगर आप आगे बात करेंगे तो सब्सिडीज एक्सपेंडिचर की बात करें सो ऑन दिस साइड दे हैव गिवन द एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन सब्सिडीज एंड दैट इज अ सब्सिडी इन कंपैरिजन टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट मीन जो स्टेट डे टू डे लेवल पे खर्चा करती है उनमें से कितना खर्चा उनका सब्सिडीज पे होता है देखिए इनमें सबसे आगे आपको मिलेगा गुजरात और गुजरात में आपको ग्रोथ काफी कम दिखेगी इन केस ऑफ सब्सिडीज एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ पंजाब द ग्रोथ इज लेस बट दे बिंग स्पेंडिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन दब्सिडीज पार्ट एवरी यू नो ईयर देन यू हैव छत्तीसगढ़ राजस्थान सो इफ यू टॉक अबाउट दी ऑल इंडिया स्पेंडिंग ऑन एन एवरेज

तो देखिए यहां पे आपको जो नंबर दिए गए वो 1920 से ट्वेंटी टू के दिए गए अब यहीं पे आप बात करेंगे फ्री बीज अनाउंस बाय द स्टेट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी अब देखिए बहुत सारे लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी हमें क्वेश्चन उठाए हैं कि सर आप इनको फ्री बीज कैसे कह सकते हैं बिकॉज नो वन डिफाइंड फ्री बीज या तो आप फ्री बीज को डिफाइन करो देन यू सिंपली स्टार्ट प्रोवाइडिंग इट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज बिंग स्पेंड बाई गवर्नमेंट ऑफ द फ्री बीज थे ठीक है अब देखिए यहां पे आपको सबसे ज्यादा अमाउंट खर्चा करने वाली स्टेट्स में मिलेंगी सबसे आगे आपको मिलेगा पंजाब बिकॉज यू नो दिस थिंग द करंट रूलिंग पार्टी द प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर फ्री एंड दिया था मध्य प्रदेश में भी अच्छा खासा मिलेगा एंड देन इफ यू सी आंध्र प्रदेश अब आंध्र प्रदेश में देखिए ऐसा क्यों है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और जो वहां की करंट रूलिंग पार्टी है और जो आने वाली रूलिंग पार्टी है वो खूब दिल खोल के अनाउंसमेंट कर रही हैं कि हम क्या क्या फ्री में देने वाले हैं ठीक है अब देखिए इन सब चीजों का जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है स्टेट एक्सचेकर के ऊपर वो होता है बेसिकली उनका डेट टू जीडीपी रेशियो का क्योंकि आप जानते हैं सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट हमारे इंडिया में दे बी बेसिकली टेकिंग लोन्स फॉर पर्पस ऑफ मीटिंग देयर एक्सपेंडिचर दैट मींस मीनस आल्सो हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट और जब आप लोन लेके खर्चा अपना पूरा करते तो आप मान के चलिए आपका डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता चला जाता है

कि क्या स्टेट्स को फ्रीबीज देने चाहिए देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है अगर आपके पास पैसा है तो दीजिए बट इफ यू डोंट हैव मनी देन आर नॉट सपोज टू डू इट बिकॉज देखिए अल्टीमेटली होता क्या है स्टेट गवर्नमेंट जब कर्जा लेके लोन लेके ये सब फ्री की चीजें प्रोवाइड करती हैं एंड ऑब्वियसली दे बिंग शॉर्ट ऑफ मनी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देन अल्टीमेटली दे नीड टू टेक मनी एंड दे नीड टू अर्न मनी एंड फ्रॉम वेयर द मनी विल कम द मनी विल कम फ्रॉम टैक्सेस ओनली एंड देन दे दे विल विल अप्लाई टैक्सेस अप्लाई टैक्स ऑन अस ओनली सो अल्टीमेटली

और उनको बेसिकली मान के चलिए दे नीड टू सिंपली बीयर द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑलमोस्ट द रिमेनिंग पीपल ऑफ आर कंट्री तो कहीं ना कहीं मान के चलिए इस तरह की वजह से जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर का पड़ता है ठीक है तो क्रॉस सब्सिडेशन का मतलब क्या होता है कि यू बेसिकली चार्जिंग मोर टैक्स फ्रॉम द रिच पीपल और द मिडिल क्लास पीपल एंड यू बेसिकली स्पेंडिंग ऑन दी पुअर पीपल हियर एंड यू गिविंग देम थिंग्स फॉर फ्री ठीक है तो ये मतलब है आपको अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या यहां पे मत है रिगार्डिंग द फ्री बीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहता है अब देखिए जनवरी 2022 के अंदर उपाध्याय जो एक बीजेपी रूलिंग पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो बिकॉज बिकॉजिंग ऑफिंग डॉट ऑफ फ्री थिंग्स टू पीपल अब पॉइंट आता है कि वाकई में फ्री चीजें देने से इलेक्शन जीता जा सकता है या नहीं जीता जा सकता ठीक है पॉइंट यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2022 में 26 अगस्त यानी कि अभी दो हफ्ते पहले जो अपना डिसीजन दिया है उसके अंदर उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि देखिए कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं किया गया कि फ्रीबीज होती क्या है फ्रीबीज देना है नहीं देना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है ठीक है जो भी फ्रीबीज गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर कर रही हैं, जनता के यानी कि इलेक्टोरेट्स को वो चाहिए या नहीं चाहिए ये वो डिसाइड करेंगे अब देखिए जो रूलिंग पार्टी दिल्ली और पंजाब में है आप जानते हैं वेन एवर दे आर फाइटिंग इलेक्शन इन केस ऑफ एनी स्टेट एरिया दे आर ऑफरिंग द सेम फ्री थिंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल बट यू नो दिस थिंग दे आर नॉट एबल टू विन ऑल द स्टेट्स यानी कहने का मतलब क्या है अगर हर जगह फ्री की चीजें अनाउंस करने से और देने से अगर इलेक्शन जीते जा सकते हैं तो मान के चलिए फिर तो इस बात में होल्ड लग जाएगी कि मैं और ज्यादा दूंगा मैं और ज्यादा दूंगा दैट इज गोइंग टू गेट बेसिकली ओनली दिस काइंड काइंड ऑफ ऑफ यू नो द द मुद्दा विल बी देयर बट पॉइंट इज वॉट इवन यू आर ऑफरिंग थिंग्स फॉर फ्री टू द पीपल बट स्टिल यू नॉट एबल टू विन इलेक्शन यानी कहने का मतलब इलेक्टोरेट डिसाइड करते हैं कि उनको एक चाहिए या नहीं चाहिए अगर उनको चाहिए तो वो आपको वोट कर देंगे और उनको नहीं चाहिए तो वो आपको वोट नहीं करेंगे अब इनमें से आपको आप, आप सोचेगा कि सर इसका मतलब तो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि उनको फ्री क्या चाहिए तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज सर्वे करा करा के ये जाने कि उनको फ्री क्या चाहिए और उसके बाद वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर वो सब प्रोमिस करे कि हम ये सब चीज़ें फ्री देने वाले हैं तो सर उनके लिए इलेक्शन जीतना बहुत आसान हो जाएगा बट मान के चलिए इतना भी आसान नहीं है बिकॉज डिमांड ऑफ द पीपल आर रियली रियली डिफरेंट

तो उन्होंने बोला कि देखिए ये जो इैशनल फ्रीबीज की बात है जिसको लेके बहुत सारी डिबेट चल रही है और वो चल रही है कि करंटली वी आर नॉट इन पोजिशन टू सिंपली कम टू अ जजमेंट हेयर वेरी फास्टली सो वट इज सेट दैट वी आर गोइंग टू सिंपली रेफर दिस पर्टिकुलर केस टू अ थ्री जज बेंच तो उन्होंने क्या किया जो डिसीजन उन्होंने दिया वो तो हम बात करेंगे अभी बट पॉइंट इज वॉट दे ही बेसिकली रेफर दिस थिंग टू अ यू नो थ्री जजेस बेंच अब वो क्या बताएंगे वो आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा ठीक है उन्होंने कहा कि ये ये है है या नहीं पॉलिटिकल पार्टी है उनको रोकना चाहिए नहीं वो बात पे देखते हैं बट पॉइंट है इन्होंने क्या कहा? ट्रू पॉवर लाइज विद इलेक्टोरेट एंड द इलेक्टोरल जजेस देंडिडेट देन आफ्टर दैट इफ यू सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थ्री जजेस बेंच को ये रेफर किया है तो देखिए जब वो डिसीजन आएगा वो आएगा बट उससे पहले हम इस केस के बारे में बात करते हैं कि ये केस था क्या देखिए डीएमके गवर्नमेंट जब 2006 में तमिलनाडु में जीती थी तब मान के चलिए उन्होंने क्या किया था उन्होंने बहुत सारे फ्री टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूट किए थे दे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ फ्री टेलीविजन ठीक है अब देखिए पॉइंट ये है तो उस टाइम क्या था कि देर वॉज अ पर्सन हु सिंपली यू नो काइंड ऑफ टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज सुब्रमण्यम बालाजी टू सिंपली प्रोवाइड कि क्या ये चीजें ठीक हैं या गलत हैं और डिसीजन आया 2013 अब में अब देखिए पांच मेन पॉइंट है आपके इस पर्टिकुलर केस के व्हाट आर द मेन फाइव पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केस एंड दैट वाज कंसीडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजेस कौन कौन थे जस्टिस पी सदर सिवम एंड जस्टिस रंजन गोगोई साहब वाज देयर एंड दे वर देयर अब देखिए पहला पॉइंट जो यहां पे पिटिशनर ने उठाया था वो क्या था द प्रोमिस मेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग दी प्रोमिस ऑफ फ्री गिफ्ट कैन नॉट बी कॉल्ड ब्राइबरी सो हि सेट section 123 एंड बेसिकली Representation of People एक्ट अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए क्या कहा इन्होंने बोला कि जब आप सेक्शन 123 पढ़ेंगे देर इज नो वी आर देंशन अबाउट द पोलिटिकल पार्टीज दे ओनली मैंशन हियर अबाउट वॉट अबाउट द कैंडिडेट अबाउट द इंडिविजुअल इलेक्शन सो इन अ वे वट एवर पॉइंट यू आर प्रोवाइडिंग दैट इज नॉट अप टू दार्क क्योंकि यह पहला पॉइंट था यानी कि उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टी फ्री गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं इनको हम ब्राइबरी नहीं कह सकते इनको हम करप्शन नहीं कह सकते एज फॉर दी सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री बिकॉज दैट इज ओनली एज फॉर दी फोर द इंडिविजुअल पर्सन गेटिंग वट आई एम सेकेंड लिंग दूसरी चीज जो यहां पे बोलेगी इफ ए गवर्मेंट गिफ्ट आइटम फॉर फ्री टू इट्स पीपल एंड इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ इम्प्रूव दाइफ एन अकॉर्डेंस विदीएसपी अब देखिए डीपीएसपी पी एस पी में अगर आप आर्टिकल 38 और 41 को रेफर करेंगे तो मान के चलिए ये जो भी फ्री चीजें दी जा रही है जिनको फ्री बीस कह सकते हैं या जिनसे वेलफेयर होती या नहीं होती दैट ओनली सिचुएशन विल टेल एक्चुअली यू 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 नो बट इफ रीड आर्टिकल एंड देन कैन दे कैपेसिटी टू प्रोवाइड इट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को ध्यान में रखा और देखिए द स्टेट सेल्स ट्राइव टू प्रमोट द द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शेल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ एंड देन इफ यू रीड अबाउट आर्टिकल फोर्टी वन द स्टेट शेल विदिनॉमिक इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात करी है बट अगेन दैट डिपेंड्स क्योंकि वो लोन लेके भी तो खर्चा कर सकते हैं इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसबेंट एंड इन अदर केसेज ऑफ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज फॉल्ड अनडिजर्वड वॉट ठीक है उन्होंने बोला कि अगर ये चीजें दी जा रही है तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी आप जानते हैं डीपीएसपी का मतलब क्या होता है देर आर सर्टन प्रिंसिपल दीड्स टू बी कीप इन माइंड वाइल्ड

द कोर्ट कैनोट मेक रेगुलेशन ऑन लॉज ऑन वॉट इलेक्शन प्रोमिस अलाउड इन वॉट शुड नॉट भी क्योंकि देखिये यहाँ पे पिटिशनर ने नाइनटीन नाइनटी से एक केस के बारे में बात करी थी उन्होंने बोला देर वॉज अ केस कॉल्ड विशाखा केस क्योंकि जिसे मान के चलिए एक, you know, एक लेडी थी जिनका नाम था यहाँ पे देखिए देर वॉज अ लेडी कॉल हुम भनवरी देवी गैंग रेप्ड एट अ वर्क प्लेस So that time as there was a lacuna in law made by the central government and the state government, there was no guidelines given by the government regarding the you know the kind of environment or the safe environment that you need to provide at a workplace for women. So according that's why you can say the guidelines were given by the Supreme Court of India. So he also said according to the guidelines need to be given by the Supreme Court of India regarding defining that freebies. But the Supreme Court ne bola ki there was a

the court's stance was that since the representation of people act thoroughly governs matter to do with elections there was no legal vacuum and therefore the court does not have the power to set guidelines on what promises can and cannot be made by the political party so they will decide the supreme court of india can't provide the guidelines for this and then the fifth point what he said that the cag should tell you know that how the money need to be spent but do remember what supreme court of india said अंडर आर्टिकल 148 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया, द ड्यूटी ऑफ द सी इज़ ओनली टू सिंपली एग्जामिन द मोर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उनका काम है जब सारा काम हो जाएगा अकाउंट बन जाएंगे उनको चेक करके ये बताना कि वेदर दे आर बिंग प्रोप्राइटरी लिगैलिटी एंड वेलिटी ऑफ ऑल एक्सपेंसिस इंकर्ड बाई दिन्री सो ही इज नॉट सपोज टू टेल की हाउ यू नी टू स्पेंड द मनी तो देखिए पॉइंट यहां पे निकल के ये आता है कि कोई चीज फ्रीबीज है या नहीं है ठीक है उस चीज को देखिए इंटरप्रिटेट करना बहुत मुश्किल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लैपटॉप का दिया टीवी का दिया ठीक है हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जब साउथ इंडिया में एक बार हुआ था कि मिक्सर ग्राइंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अब देखिए मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है कि जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट मे बी फ्री थिंग फॉर समबड़ी इज ऑलरेडी हैविंग इट बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हुविंग इट

आप देखिए बहुत सारे लोग दिल्ली में जो 200 यूनिट के बारे में बात की जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी की फ्री दी जाती है दैट इज इज बेसिकली बीइंग हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ द करंट रूलिंग पार्टी टू विन द इलेक्शन मान के चलिए अगर मैं आपको दिल्ली में बताऊं कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर अगर आप एक अच्छी हाई क्लास फैमिली से हैं और आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप मान के चलिए इन योर हाउस यूर हैविंग टीवी फ्रिज ए यू नो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर Or you know, when it comes to using all these things, you end up consuming more than 200 units. So there are conditions which have been given by the government to simply, you know, get these units for free. That either you have been using less than 200 or your electricity load is less than 4 kilowatt. Then you will be able to get this kind of benefits or subsidy. Otherwise, you need to pay the complete amount of money. And I am telling you in Delhi, you need to pay huge amount of taxes on the electricity. च इज इवन हायर विच आई नोटिस यू नो इन कंपेरिजन टू सर्टन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री दो थिंग्स आर फ्री वॉट ऑनली इन द नेम सो यू कैन सेयर दिट पीपल गेटिंग अब वही सोचिए कि यहीं पर जो एक गरीब बंदा है जो अपने घर में इतने पैसे भी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे पाए तो अगर उसके लिए दो सौ यूनिट फ्री है तो इन दैट केस यू कैन से द पर्सन कैन बी एबल टू अफोर्ड द बेसिक लाइटनिंग लाइक एक छोटा सा पंखा एक छोटी सी ट्यूब लाइट या फिर बाकी जो घर में लाइटनिंग के लिए चीजें चाहिए वो अफोर्ड कर पाएगा एंड विद हेल्प ऑफ दिस यू नो इफ दे हैव किड्स दे कैन सिंपली हैव एजुकेशन आल्सो इन दिस दिसक सो इन अ वे इट इज अगेन अ अ काइंड ऑफ वेलफेयर मेजर तो दे के डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है तो चलिए आज के टॉपिक में मुझे केवल आपको यह बताना था अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बट डू रिमेंबर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय प्लस कोर्स So you can join there for the purpose of if you are being preparing for 2023 prelims and I am going to start my comprehensive course from 10th of October that is going to be relevant for both prelims as well as means point of it. Chaliya aaj ke liye Thank you very much. Take care and bye bye.